Hello student, today we see the numericals based on Routh's criteria. Okay, so see, this is the numerical that determine the stability of following equation using Routh's criteria. Okay, in today's lecture we have to see this problem solution. Okay, okay, so see the solution of this problem. Firstly, we see this problem. Okay, firstly we write the given characteristic equation. This is our characteristic equation, so write characteristic equation is, that is sq plus 4s square plus 8s plus 12 equals to 0. Okay, again this equation we have to write. Then we have to see the Routh's array, that is a0 is equals to 1 and a1 is equals to 4. Okay, this one is the a0 is equals to, yahan pe kya hai, 1 hai, yahan pe a1 kitna hoga, 4 होगा. ओके, देन a2 कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 8. ओके, एंड a3 दैट इज लास्ट कोएफिशिएंट, दैट इज द 12. ओके, इन दिस वे वी राइट द कोएफिशिएंट्स और द Routh's array. ओके, देन राइट द बेसिक्स Routh's array वैल्यूज इन Routh's array फॉर्मेट. So write the higher order of s, it is cube. So write s cube, then s square, then write s1 and then write s0. Okay, after that write the formula of Routh's array. Okay, this is the formula or format, that is a0, a2, a1 and a3. Okay, then what is the value of a0? It is 1. So write it is 1. Then a2 it is 4. Then a2 it is 8. So write it is 8. Then a1 it is 4 and a3 it is 12. Okay, in this way we write the values. Okay, after that from this we have to find out, that is यहाँ से आपको क्या निकालना है कि ये सिस्टम स्टेबल है और नॉट. ओके, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द Routh's क्राइटेरिया. तो स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें अगर साइन चेंज ना हो तो क्या होगा, इट इज स्टेबल. मीन्स फर्स्ट कॉलम में अगर साइन चेंज नहीं आएगी तो वो स्टेबल रहेगी, और अगर फर्स्ट कॉलम में आपका साइन चेंज रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेगी. सो चेक, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए आपको ये पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो b1 निकालना पड़ेगा. ओके, एंड देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे c1 निकालना पड़ेगा. ओके, सो राइट फर्स्ट द फॉर्मूला, दैट इज b1 का फॉर्मूला क्या है. b1 इज इक्वल्स टू, दैट इज a1 a2 माइनस ऑफ a0 a3. ओके, और डिवाइडेड बाय a1. ओके, सो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, क्या है, a1 इंटू a2, दैट इज a1 इंटू a2 माइनस ऑफ a0 इंटू a3, a0 इंटू a3 डिवाइडेड बाय a1. ओके, सो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. सो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, a1 कितना है आपका, 4 है, देन इंटू a2 कितना है, 8 है, माइनस ऑफ a0 कितना है, 1 है, इंटू a3 कितना है, 12 है. ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे a1 से, मीन्स 4 से. सो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, देखो, दैट इज ये कितना आएगा आपका, आ रहा है 5. ओके,
ये कितना आएगा 5, बिकॉज ये 32 - 12 / 4 इज इक्वल्स टू 5 आएगा डिवीजन करके। ओके उसके बाद में ये 5 मैं यहाँ पे लिख लूँगी, दैट इज अवर B1। ओके B1 आ गया है। अभी B2 निकाल सकते क्या हम लोग? नहीं निकाल सकते, बिकॉज B2 के लिए आपको ये वैल्यूज लगेगी। ओके अगर नहीं निकाल सकते यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इट इज़ 0। ओके सो इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर से C1 निकालेंगे। सो C1 का भी फॉर्मूला क्या है आपका? दैट इज C1 का भी सेम इसके ऊपर से फॉर्मूला बनेगा। अभी इसको हम क्या कंसिडर करेंगे 0 को? दैट इज बी यहाँ पे जो है आपको क्या कंसिडर करेंगे? B2 कंसिडर करेंगे ये वैल्यू हम लोग। ओके सो C1 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? दैट इज B1 इंटू A3 के माइनस ऑफ A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय B1। ओके सो फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज C1 का B1 इंटू A3 के माइनस ऑफ A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय B1। ओके सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। B1 का वैल्यू कितना है? 5 है, इंटू A3 12 है, माइनस ऑफ A1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1? दैट इज 4, इंटू B2 इट इज़ 0। ओके एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B1? अगेन इट इज़ 5। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट C1? दैट इज इट इज 12, बिकॉज 60 / 5, सो इट इज 12। सो आई एम राइटिंग इट इज 12, दैट इज द C1। ओके C1 इट इज 12। सो इन दिस फर्स्ट कॉलम एनी साइन चेंज इज देयर? नो। सो दिस सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम। सो वी हैव टू राइट एज देयर इज नो एनी साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ राउट्स अरे द गिवन सिस्टम इज स्टेबल। ओके सो आपका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में जो है आपके कोई भी साइन चेंज नहीं आया है, मीन्स माइनस नहीं आ रहा है, प्लस सभी प्लस इसमें है। सो ये सिस्टम आपके क्या रहेगी? इट इज अ स्टेबल सिस्टम रहेगी। ओके सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम।